लालू प्रसाद यादव की किस्मत का फैसला 28 अगस्त को सुनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव समेत 125 आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होना भी है। दरअसल आपको बता दें कि 27 वर्ष पुराने चारा घोटाले के अंतिम एवं आरोपियों की संख्या में सबसे बड़े केस RC 48A/96 की शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली गई। लालू प्रसाद यादव सहित 125 आरोपियों की किस्मत का फैसला 28 अगस्त को सुनाया जाएगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में शुक्रवार को अंतिम बहस पूरी कर ली गई। फैसले के दिन सभी 125 आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया। इसमें 45 पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं, 9 महिला आरोपी हैं, ट्रायल फेस कर रही हैं। सीबीआई की ओर से पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजन रविशंकर ने बताया कि यह मुकदमा डोरंडा कोषागार से 36.58 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित है। मामले में सीबीआई की ओर से 594 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के 5 मामले समेत कुल 53 मामलों की सुनवाई रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में पूरी कर ली गई। 52 मामलों में अलग अलग विशेष न्यायाधीश के जज अपना फैसला सुना चुके हैं। सभी लंबित मामलों में से पहले RC 20A/1996 में तत्कालीन स्पेशल जज पीके सिंह ने फैसला सुनाया था और अब 27 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला जो है वो रिजर्व रख लिया है। यह फैसला 28 अगस्त को सुनाना है और इस फैसला सुनाने के वक्त उस टाइम पर कोर्ट में लालू प्रसाद यादव समेत 125 जो आरोपी हैं वो हाजिर रहेंगे। तो बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से लालू प्रसाद यादव को लेकर। लालू प्रसाद यादव समेत 125 आरोपियों की किस्मत का फैसला 28 अगस्त को होगा। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में शुक्रवार को अंतिम बहस पूरी कर ली गई है। फैसले के दिन सभी 125 आरोपी को अदालत में हाजिर रहने का निर्देश भी दिया गया है। इसमें 45 पशुपालन विभाग के अधिकारी है, 9 महिला आरोपी ट्रायल फेस कर रही हैं। सीबीआई की ओर से पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजन रविशंकर ने बताया कि मुकदमा डोरंडा कोषागार से 36.58 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित है। तो जिस मामले में लालू प्रसाद यादव जेल में रहे, एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं और एक एक करके जो फैसला वो सामने आता रहा और अब सबसे बड़े मामले की सुनवाई जो है वो हो चुकी है। फैसला भी हो चुका है, बस फैसला सुनाया जाएगा 28 अगस्त को। तो चारा घोटाला के सबसे बड़े मामलों की सुनवाई हो चुकी है और 28 अगस्त को लालू प्रसाद यादव की किस्मत, या फिर यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव समेत 125 आरोपियों की किस्मत का फैसला 28 अगस्त को होना है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। Yeah.